हेलो स्टूडेंट, टेंथ के रिजल्ट के बाद अब शुरुआत की जाए साइंस का ये सफर। स्टार्ट करने जा रहे फिजिक्स की सिलेबस, बताने जा रहे आपको क्या रहने वाला है इस सेशन में फिजिक्स का सिलेबस, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ, और आपकी जो ये सिलेबस होगी जो 11वीं क्लास की सिलेबस बताएंगे। लेकिन मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। साथ ही साथ आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। 11th की सिलेबस में आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि सबसे पहले ऑल चैप्टर्स के ये फ्लो चार्ट्स है। इस फ्लो चार्ट्स का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पूरी टॉपिक को इस फ्लो चार्ट के अंदर रख सकते हैं। साथ ही साथ इस फ्लो चार्ट के नीचे में आपके चैप्टर के नाम दिए गए हैं, नाम के साथ साथ कितने नंबर के कौन से चैप्टर होते हैं ये भी आपको दी गई है। ठीक है, याद रखें कितने नंबर के प्रत्येक चैप्टर होते हैं ये भी आपको नीचे दी गई है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या मेहनत की वो सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। याद रखिएगा, आज के समय में मेहनत के साथ साथ हार्ड वर्किंग की भी जरूरत है। तो आइए शुरुआत करें हार्ड वर्क के इस दुनिया में। जितना अधिक वर्क करेंगे उतनी अच्छी रिजल्ट आने वाले समय में हम पाते हैं। जब भी ऐसी बातें आती है कि हम लोग बेस्ट रिजल्ट की चर्चा करते हैं, बेस्ट कंडीशन की चर्चा करते हैं, उसमें बात आता है लक्ष्य क्या होगा, ये गोल कैसी होगी, सफर कैसा होगा, कैसा होगा ये सिलेबस। तो आपको हम वेलकम करना चाहते हैं, वेलकम टू स्टडी विद फिजिक्स क्लासेस, और शुरुआत करना चाहते हैं आपको इस सेशन के साथ ही। आप इससे जुड़ने के साथ साथ इसमें दो पार्ट होगा, यानी वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। आपको मिलते हैं कितने, दो बुक पढ़ने होते हैं, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और ये बुक का नाम होगा एनसीईआरटी, जिसमें कि आपको फर्स्ट सिक्स चैप्टर यहां तक ग्रेविटेशनल तक स्टडी करनी है। सेकेंड एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट में कि बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि एनसीईआरटी के सेकेंड बुक होते हैं, एनसीईआरटी पार्ट टू में पढ़ने होते हैं चैप्टर स्टार्ट करके कहां तक वेव तक। तो ऐसे ही स्थिति में प्रत्येक चैप्टर के नाम बता देते हैं और इसके डिटेल में पढ़ते जब चलेंगे तो सभी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर वन है आपके पास फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग स्टार्ट लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, साथ ही साथ जब यूनिट एंड डायमेंशन यानी फिजिकल वर्ल्ड तो आ गए, इसमें पढ़ना है हम लोग को यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हमें पढ़ना होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति के बाद क्या, सर सरल रेखा में गति के बाद आता है मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कितना स्थितियों के बारे में, गति के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद है वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। साथ ही साथ इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ है पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, कणों के निकाय तक घूर्णीय गति। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 8 है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके बाद ये हो जाता है फर्स्ट बुक। अब चालू हो रहा है सेकेंड बुक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों का यांत्रिक गुण। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरलों के यांत्रिक गुण। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला ये चैप्टर है और उम्मीद करेंगे आप मेरे साथ एक साल पढ़ के तो देखिए कहां से कहां पहुंचा कर रख देंगे। यहां देखिए क्या कह रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी अब आ गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा बहुत सुने होते हैं, लेकिन अब जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो मजा ही मजा है। चैप्टर नंबर 12 है आपके पास, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी। अब इसमें आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के गति सिद्धांत, गैसों के अणु सिद्धांत। अब इसके बाद लास्ट
चैप्टर से पहले यह ऑसिलेटरी मोशन, इसका एक और नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और साथ ही साथ लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है वेव, तरंगों के तरंग। तो आइए हमारे साथ जुड़ते रहिए और रेगुलर रूप से क्लासेस करिए। स्टार्ट होने जा रहा है 11th का बैच आपके अपने स्टडी वे ऑनलाइन क्लास पे और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास पे। थैंक यू।